इतना शुरू कर चुके हैं अमेरिका और पीपल्स वॉइस। दरअसल अतिक अहमद का एक बार फिर से मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही के अंदर बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल की हत्याकांड के मामले के मुख्य गवाह उमेश पाल की और उसके गनर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इस मामले के अंदर अतिक अहमद के पूरे परिवार, उनके बेटे और उनके जो ड्राइवर सहित उन लोगों का नाम है वो सामने आया था, जिसके अंदर आज एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर के अंदर मार भी गिराया, साथ ही अतिक अहमद के बेटे ने सरेंडर भी कर दिया है। इस मामले को लेकर लगातार बीएसपी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस मामले के अंदर उनकी जो अतिक अहमद की पत्नी है साहिस्ता परवीन, वो बीएसपी के अंदर हाल ही के अंदर शामिल हुई है। तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अतिक अहमद की पत्नी और उनके बेटे दोनों को पार्टी से कब निष्कासित है वो किया जाएगा। हालांकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा आज ट्वीट करके सपा और बीजेपी दोनों को जवाब देने की कोशिश देखने को मिली, साथ ही पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी उमेश पाल के घर पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भेजा गया। उमेश पाल के घर पर आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और उनसे जुड़े हुए कई जो कार्यकर्ता है वो पार्टी के, वो उनके साथ है, वो वहां पर पहुंचे थे। इस दौरान की अगर बात करें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, प्रयागराज में राजू पाल की वर्षों पहले हुई हत्या के मुकदमे का अहम गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर की हत्या के मामले में अतिक अहमद के लड़के और उनकी पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने की सूचना प्रकाशित हुई है। बीएसपी ने इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया है कि इस मामले की चल रही जांच में इनके दोषी साबित होते ही श्रीमती साहिस्ता परवीन, अतिक अहमद और पार्टी को जरूर आपको बता दें कि निष्कासित कर दिया जाएगा। ये बात भी सर्वविदित है कि अतिक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है, जिस पार्टी से वह एमपी एमएलए आदि भी रहा। अब राजू पाल की पत्नी भी बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चली गई है, जिस पार्टी को वो अपने पति की हत्या का मुख्य आरोपी है वो मानती थी। अतः इसकी आड़ में कोई राजनीति वह नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी सर्वविदित है कि अपराध की सजा बीएसपी द्वारा उनके परिवार को कभी नहीं दी जाती और ना ही किसी भी परिवार जो अपराधी पक्ष में होता है उसका बहुजन समाज पार्टी है वो पक्ष लेती है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने साफ कर दिया कि अतिक अहमद और उनकी पत्नी को और उनके बेटे को जैसे ही आपको बता दें कि उन पर दोषी साबित हुआ जाता है तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता है वो दिखा दिया जाएगा। दरअसल बहुजन समाज पार्टी में इस वक्त अतिक अहमद की पत्नी साहिस्ता परवीन प्रयागराज से मेयर पद के लिए तैयारी कर रही है। मिलेंगे इस वीडियो नेपडेटो के साथ, अब तक आपसे लेते विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर बिल्कुल ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर।